पॉइंट नंबर 235 है ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी पीरियड थायरॉयड आर्टरीज लिगेटेड क्लोज टू ग्लैंड टू सेव एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखना है, इसमें निमोनिक है UELR, अपर लोब में होती है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, लोअर लोब में होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, अपर लोब में होती है सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, लोअर लोब में होती है इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी। यू आर डन विद एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब टेबल फ्यू इंपॉर्टेंट हाई रिपीटेड पॉइंट्स ऑफ थायराइड, इसमें क्या याद रखना है, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, इसको कैसे याद रखना है, 234 रिंग्स, ब्रेकियल रिंग्स जो होती है ना 234 वहाँ पे होता है। अब 234 के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अगली काउंटिंग शुरू कर देनी है, 567, तो C5, C6, C7 के साथ T1, तो ये होता है ग्लैंड लाई अगेंस्ट वर्टिब्रा। इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड जो होता है वो 234 ट्रेकियल रिंग्स और 567 T1, C5, 6, 7 और T1 पे होगा ग्लैंड अगेंस्ट वर्टिब्रा। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो उस किस फेशिया में होता है, वो प्री ट्रेकियल फेशिया में होता है। थायराइड मूव्स ऑन स्वेलविंग बिकॉज ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया। अच्छा, उसके बाद आता है थायरॉयडेक्टमी, अपर लोब में एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, लोअर लोब में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड कौन सी होती है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, मोस्ट कॉमनली जो इंजर्ड होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाहर वाली। नर्व और आर्टरी का रिलेशन बता दिया मैंने। अच्छा, अब थायरॉयडेक्टमी में कौन सी होती है और ट्रेकियोस्टमी में कौन सी होती है, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व व्हिच सप्लाइज पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड मसल ऑफ लैरिंग्स इंजर्ड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी में जो होगी वो होगी एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। अब इनफीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व रन्स बिटवीन ट्रेकिया एंड एसोफेगस एंड मोस्ट कॉमन इंजरी इन ट्रेकियोस्टमी, ठीक है, डन एट सेकंड ट्रेकियल रिंग बाय पुलिंग द इस्थमस इनफीरियरली, ठीक है। तो जो ऑस्टमी में होती है, ऑस्टमी में होती है वो होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है, ऑस्टमी में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व और डेक्टमी में एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ठीक है, डेक्टमी में एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ठीक है। तो ई थायरॉयडेक्टमी में जो वर्ड है आखिरी, अगर वर्ड गौर करें तो एक्टमी और ऑस्टमी, एक्टमी में एक्टमी का वर्ड है ई, तो एक्टमी में ई वाली नर्व एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व और ऑस्टमी में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। इंटरनल लेरिंजियल नर्व जो होती है वो पास थ्रू थायराइड एंड वाइड। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, थायराइड जो होता है वो ग्लैंड डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म, थाइमस और इन्फीरियर पैराथायराइड डेवलप फ्रॉम थर्ड थाइमस, थर्ड थाइमस जो होता है वो थर्ड पाउच से आता है, ठीक है, साथ जो होता है इन्फीरियर पैराथायराइड, जो सुपीरियर होता है वो फोर्थ पाउच से आता है। ड्रेनेज, ड्रेनेज क्या होती है जी, ड्रेनेज होती है थायराइड ग्लैंड ड्रेनेज की डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इन्फीरियर थायराइड वेन इनटू ब्रेकियोस्फेरिक वेन, सुपीरियर मिडल थायराइड वेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। तो पहले इंटरनल जुगुलर वेन, सुपीरियर मिडल के लिए, इन्फीरियर के लिए ब्रेकियोस्फेरिक वेन। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं जी, पार्शियल थायरॉयडेक्टमी में पोस्टीरियर थायरॉयडेक्टमी डन केयरफुली बिकॉज टू प्रिजर्व पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लेरिंजियल नर्व पासेज बिटवीन हाइड एंड थायराइड। उसके बाद आ गया जी 10 डेज आफ्टर थायरॉयडेक्टमी या डन पेशेंट प्रेजेंट विद स्पैज्म, स्पैज्म क्यों हो रहा है, हाइपोकल्सेमिक टेटनी की वजह से। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी इंक्रीज ब्लीडिंग इज ड्यू टू इंजरी टू, अच्छा ट्रेकियोस्टमी में इंक्रीज ब्लीडिंग क्यों होती है, इंटीरियर जुगुलर वेन की वजह से। स्ट्रक्चर विच इज मीडियल टू थायराइड ग्लैंड वो कौन सा होता है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है, और इमीडिएटली लेटरल टू ट्रेकिया भी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अच्छा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व अराइज कहाँ से करती है, फ्रेंजियल आर्च 6 से, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व इज फ्रॉम फोर्थ आर्च, ठीक है। अब जी नो द डिफरेंस, सर्जरी ऑफ लोअर पोर ऑफ थायराइड में डैमेज विल बी डैमेज ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ सुपीरियर थायराइड, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व विच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ अपर लोब ऑफ थायराइड, अपर लोब ऑफ थायराइड में कौन सी होगी, तो वो होगी एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी एंड लाइगेशन ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी मोस्ट ससेप्टेबल टू इंजरीज, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। थायराइड सर्जरी में कौन सी होगी, रिकरेंट लेरिंजियल, आल्सो कम टू व्हिच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू इंजर्ड ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ लोअर पोल ऑफ थायराइड, तो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। ये बार बार वही चीज़ दी हुई, थायरॉयडेक्टमी डन तो उसमें कौन सी होगी, थायरॉयडेक्टमी में आर्टरी वाज लिगेटेड सप्लाई दी व्हिच नर्व आर मोस्ट सेंसिटिव ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, तो थायरॉयडेक्टमी वाज डन इन लेफ्ट लोअर लोब, अगर थायरॉयडेक्टमी लोअर लोब में है ना तो उसमें डेफिनेटली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होगी। इन्फीरियर लोब ऑफ थायराइड इन एसोसिएशन विद रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी, इन्फीरियर आर्टरी पर मोस्ट लाइकली नर्व इंजर्ड कौन सी होगी, तो वो होगी जी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होगी। ओके 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 ओके। उसके बाद प्री ट्रेकियल फेशिया के बारे में है जी, थायराइड इज इन्वेस्टेड इन प्री ट्रेकियल फेशिया, थायराइड मूव्स विद डीग्लोटेशन इनक्लोज इन प्री ट्रेकियल फेशिया, इन्फेक्शन इन डीप इन्वेस्टिंग लेयर प्री ट्रेकियल फेशिया वो स्प्रेड कहाँ जाता है, इंटीरियर मीडियास्टिनम में, स्वेलिंग ऑन नेक विच मूव्स विद द स्वेलिंग वो प्री ट्रेकियल फेशिया होता है, प्री ट्रेकियल फेशिया होता है।